पेटो पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्रीमती कौशल्या देवी जी से कि आप हज का शुभारंभ अपने चरण कमरों से करें और आप सभी अतिथियों से आग्रह होगा कि इनका साथ आप लोग जी महेंद्र रजक जी जागेश्वर साह जी नरसिंह सिंह जी कौलेश्वर साह जी अशोक रजक जी और इनका स्वागत करेंगे हम सभी लोग जोरदार तालियों के साथ। मैं अपने कमेटी के सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग जो है इनका साथ दें जोरदार तालियों के साथ। खिलाड़ियों से भी आग्रह होगा ताली बजती रहनी चाहिए। एक बार सारे लोग बोलेंगे पूरी नहीं है। मैं दोनों टीम के खिलाड़ियों से आग्रह करना चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मैं आग्रह करना चाहूंगा बलिंदर कुमार साहब जी से कि आप मीडिया प्रभारी मनोज सिंह जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा आदेश कुमार यादव जी से कि चाहूंगा शंकर यादव जी से कि आप जागेश्वर साहब जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा निरंजन साहु जी से आप नरसिंह सिंह जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा निरंजन साहु जी से कि आप कालेश्वर साहु जी सॉरी गुरदयाल साहु जी को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा कालेश्वर साहु जी आप आगे आएंगे, अशोक रजक जी सामने आएंगे। मैं आग्रह करना चाहूंगा लखन यादव जी से कि आप आगे आकर कालेश्वर साहु को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। लखन यादव जी मैं आग्रह करना चाहूंगा टिंकू कुमार रजक जी से आप अशोक रजक को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। साथ में विकास रजक भी जाएंगे। अशोक रजक अशोक रजक हमारे बीच उपस्थित है समाजसेवी दामोदर साहु जी। मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप आगे आए। अजीत कुमार आदर जी से आग्रह करना चाहूंगा कि आप आगे आएंगे और दामोदर साहु को माला पहनाकर स्वागत करेंगे। समाजसेवी युवा नेता है उनको जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। दामोदर साहु जी अजीत आदर जी अगर नहीं है तो मैं आग्रह करूंगा जोरदार तालियों के साथ। मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। मैं एक बार पुनः अनुप कुमार रजक जी जो